रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बगतपुरा के राजस्व ग्राम पाटन के रेगर समाज के लोगों ने समाज की शमशान भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की है। शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पाटन गांव के रेगर समाज के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित रेगर समाज के शमशान भूमि के पड़ोसी खेत के नारायण राम पुत्र उद्दाराम, निबाराम पुत्र उद्दाराम, हनुमान पुत्र निबाराम सहित अन्य ने अतिक्रमण करने की नियत से शव को जलाने वाली जगह के आसपास खड़े अंग्रेजी बबूल के पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ दिया तथा वहां पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से उक्त प्रकरण की जांच करवाकर रेगर समाज की शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने तथा समाज के लोगों को राहत देने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बाबत पूर्व में 14 दिसंबर 2023 को दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर आरोपियों ने 3 फरवरी को रात्रि के समय मौके पर अतिक्रमण करने की नियत से जोधपुर की पट्टियां लाकर डाल दी। रेगर समाज के लोगों द्वारा इसका विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए कुछ लोगों के साथ मारपीट कर डाली, जिसकी शिकायत भी राज थाना पुलिस में दी गई। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र, चेतन, दुर्गाराम, बुद्धाराम, बागचंद, मलाराम, दिनेश कुमार, सुखदेव, किशोर, पीरूमल, राम प्रसाद तथा लक्ष्मण आदि शामिल रहे। सब शमशान घाट पे गुजर समाज के लोगों ने अतिक्रम कर दिया और जब हम गए वहाँ पहले बबूल काट दिए गए थे, उसके बाद हम यहाँ कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए, तहसीलदार साहब को दिया और एसडीएम साहब को भी दिया और उनको लगभग 2 महीना हो गया है। तो उसके बाद इन लोगों ने जब कलेक्टर साहब के पास आए हम यहाँ, तो उसने ट्रैक्टर खरीद दिया और अभी 3 दिन के पहले नाइट में इन्होंने जोधपुरी पत्थर से उनको मेड़ लगा दी और उनपे कब्जा कर दिया और हम जाते हैं हमको गाली गलौज देते हैं और हमको और धमकी देते हैं और उन्होंने बोला कि यहाँ तो हमारा जमीन हम ही रखेंगे, हम आपको देने वाले नहीं हैं। इसलिए हम परेशान हो गए, हम पूरे प्रशासन को, हमें 2 महीना हो गया कि हमारा जीना हराम हो गया। हम आज भी MLA साहब को देखा है, अविनाश जी गहलोत साहब को, तहसीलदार साहब को देखा है और SDM साहब को भी देखा है और आज कलेक्टर साहब के पास वापस आए हम।